आज हम आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा को मुझे सेपरेट करना है अलग अलग फाइलों में। मान लीजिए कि मुझे 365 दिन का डेटा आया हुआ है, ठीक है, 365 डेटा, 365 डेज का मेरे पास डेटा है, जो कि तकरीबन 1,00,000 को। अब आपको डेटा के साथ कुछ नहीं करना है, बट मुझे क्या करना है कि इन डेटा को मुझे सेपरेट करना है हर डेट के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे, और उसको फोल्डर बाय फोल्डर रखना है। तो मुझे क्या चाहिए, नोट कर सकते हैं आप लोग कि मुझे 12 फोल्डर चाहिए जैन टू दिसंबर। क्या चाहिए मुझे? 12 फोल्डर चाहिए जैन टू दिसंबर। उस 12 फोल्डर के अंदर में जितने नंबर ऑफ डेज है उतने मुझे सब फोल्डर चाहिए। समझ में आया? जैसे जनवरी महीना का फोल्डर जैन का फोल्डर हुआ, तो जैन फोल्डर के अंदर 31 दिन होते हैं, तो 31 फोल्डर होने चाहिए 1, 2, 3, 4 के नाम से। और उस फोल्डर के अंदर में उस डेट के हिसाब से मुझे एक्सेल वर्कशीट क्रिएट करना, मतलब कि मुझे टोटल 365 वर्कशीट क्रिएट करने हैं, लेकिन उन 365 वर्कशीट को 12 फाइलों के अंदर उसके मंथ के हिसाब से फोल्डर्स में रखना, 12 फोल्डर्स के अंदर मंथ के हिसाब से रखना। शायद आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं आपको एक डायग्राम में समझाता हूँ, शायद अच्छे से समझ में आए। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे 12 फोल्डर चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फोल्डर का नाम हो गया जय, पर इसके नहीं आ रहा। इसके नहीं आ रहा, ठीक है। अभी आ रही है? तो मुझे एक फोल्डर बनाना है जैन का। इस जैन फोल्डर के अंदर में तो पहले मुझे कैलकुलेट करना होगा कि जैन में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ 31 सब फोल्डर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 31 सब फोल्डर, समझे सर? और सारे फोल्डर का नाम क्या होगा? तो नाम होगा 1, 2, 3। जैसे इसका नाम होगा 1, इसका नाम होगा 2, इसका नाम होगा 3, ऐसे 4 से लेके 31 तक चलेगा। और हर फोल्डर के अंदर में एक हमारा वर्कशीट होगा, एक्सेल वर्कशीट होगा। क्या होगा? एक्सेल वर्कशीट। और वर्कशीट का नाम क्या होगा? तो वर्कशीट का नाम होगा कि 1 जैन। और ईयर होगा, मानो 24 है, 24 पर 25 है तो 25, या 23 है 23, जो भी आप ईयर हम सिलेक्ट कर। समझ में आया आपको? प्रॉब्लम समझ में आया? तो जनवरी का जैसे बनाया, ऐसे फरवरी का बनेगा, जिसमें 28 दिन, 29 दिन होंगे, ऐसे 29 फोल्डर बनेंगे, और उस 29 फोल्डर के अंदर उसके फाइल्स, ऐसे ही मार्च, ऐसे ही अप्रैल। क्लियर है? प्रॉब्लम क्लियर है? करना क्या है, समझ में आया आपको? सही सुरेश जी आपको, साहिल जी, अनंत जी आपको, क्लियर है सर? चलिए, तो क्लियर है तो अभी बैठ के बनाइए, और बना के आप अपने अपने कोड ग्रुप में डालिए, ठीक है। सर मुझे 12 फोल्डर बनाने हैं जैन टू दिसंबर, सबके नाम जैन का है, मार्च होने चाहिए। और उस फोल्डर के अंदर से जैन का फोल्डर है, तो उसके अंदर 1 से लेके 31 तक की सब फोल्डर बनाने हैं, और उस सारे फोल्डर में उस दिन के फाइल बनाने। जैन फैर, हमने लास्ट लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने 1 डे ऑटोमेटिक बनाया था, एक दिन में एक बनता था। अब मुझे पूरे साल का इकट्ठे बना, सिंपल समझिए ना।
लास्ट क्लास में क्या था, एक दिन में एक दिन एक बार में एक दिन का फोल्डर बना रहे थे ना, मुझे पूरे साल के इकट्ठे बना फोल्डर एंड फाइल। बहुत बड़ा हो अच्छा। अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि एक्सेल से रिलेट करेगी, कुछ चीजें हैं जो कि मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं, तो उसको रिसर्च करके बनाना है। और क्यों बनाना है, क्योंकि सर आपने पढ़ाया नहीं है बोले बनाने के लिए, ऐसा इसलिए कि जरूरी नहीं है कि वो जो चीज आपको आता है वही चीज आपके ऑफिस में जरूरत पड़ेगी, कुछ चीजें ऐसी आएगी जो आता नहीं है, तो आपको रिसर्च करना सीखना होगा ना सर। जब आप लोगों से नहीं बनेगा तो मैं बना के दिखाऊंगा इसको, लेकिन मुझे अभी चाहिए 8 बजे 9 बजे 9 बजे के आसपास चाहिए, अभी आपको बनाना है, तो फटाफट बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, सबकी हेल्प ले सकते हैं, बट आपको कोड मुझे एक्सप्लेन करना हो, याद रखिएगा, हेल्प चाहे जिसका ले बट कोड समझ में आना चाहिए, आपको कोड मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कोड आपने क्यों यूज किया है। ठीक है, चलिए बनाइए और भेजिए।